भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। बोले उसके अंतरिक्त, बोले उसके अंतरिक्त जो सत्य का कदर नहीं करे, जो सत्य का पालन नहीं करे, जो अपने आप को जात पात की और ऊंच नीच के तपंचा में रखा हो, वो मानो है ही नहीं। मानव की महिमा तो देवताओं से ऊंची है। मानव के लिए तो मुझ अविनाशी ब्रह्मा विष्णु दुर्गा काली लक्ष्मी सरस्वती समस्त अन्य देवता बिस्मिल्ला अल्लाह परवरदिगार मालिक सरकार गंगा यमुना सरस्वती समस्त देवी देवता किसके लिए हैं? मानव के लिए हैं। स्वयं भगवती पृथ्वी देवी किसके लिए है? मानव के लिए है। पृथ्वी आकाश का समस्त शक्ति किसके लिए है? मानव के लिए है। तो मानव वास्तव में है कौन? किसी बहन बेटी का इज्जत लूट लेना मानव का धर्म है? कहीं दंगा प्रसाद करवाना मानव का धर्म है? ईश्वर का याड़ लेकर अत्याचार करवाना मानव का धर्म है? जहरीला गैस छोड़कर खत्म करवा देना मानव का धर्म है? चारों तरफ अत्याचार करवाना मानव का धर्म है? नहीं, वो तो रावण से भी गिरा हुआ है। रावण अपनी मुक्ति पाने के लिए सीता रूपी छाया लेके गया था, वो भी वरदान मांग के। सच्चाई सुनो तो रावण जैसा महान कोई नहीं है, लेकिन वो अपनी मुक्ति के कारण के लिए यह सब किया था। किसे मानव समझोगे? किसी को अपमान करने वाला मानव है, अपना धर्म बदलने वाला मानव है, अपनी जमीन बेच देने वाला मानव है, 10 रुपये के लिए अपनी मर्यादा को हनन कर देने वाला मानव है, अपने जिस्म का टुकड़े टुकड़े बेचने वाला मानव है, या किसी को भयानक जलील करने वाला मानव है? मानव की महिमा बड़ी विशाल है महाराज, वो मानव नहीं है। दूसरे का अपमान करने वाला मानव नहीं हो सकता है। क्या रे फलनवा इधर आओ, तेरी क्या औकात, वो मानव नहीं, वो अहंकार है। किसी को अपमान बोलना, किसी को जहर जैसी भयानक विष बोलना, जहर 7 प्रकार का होता है। प्रथम जहर है कि शरीर को जिस्म से आत्मा से अलग कर देगा, वो आसान है। कुछ शब्द ऐसा होता है कि तिल तिल कष्ट देता है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तुलसीदास को तुलसीदास हो गए, तुलसी तुलसी सब करत तुलसी नगर की घास, कृपा हुई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। यदि कोई टाइटल ले ले कि हम फलाने सिंह राम हैं तो लोग उसे चमार बैठ जाएंगे समझने। हमारे सामने कोई बोले ना तो हम उसकी जिस्म को कटारी से काटेंगे, बोले कि देखो इसमें खून मांस हड्डी निकल रही कि नहीं, सबके शरीर पर चमड़ा मांस है। किस चीज का भेदभाव, किस चीज की जनगणना? अरे तुम दूसरे का अपमान करने वाले भेड़िए, पहले खुद के जिस्म में कितने रूए हैं वो जान लो। तुम कब मरोगे वो पता है? तुम्हारी शरीर में कितने मटेरियल बना है वो पता है? तुम्हारी सांसें क्या कह रही है आती जाती वो मालूम है? तुम्हारे एक क्षण के पहले क्या होने वाला है वो पता है? नहीं है। जिसको ज्यादा ज्ञानी बाबा बनने की औकात है, केवल मुझे ये बता दे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, भगवती पृथ्वी देवी ने क्या कहा है, हम जिसे चाहें उसे धराशाही कर दें। क्योंकि संपूर्ण यस्त्र शस्त्र सकल शक्ति हमारे सामने 0/0 है। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि हे देवाधिदेव महादेव, हला हल जहर धारण करने वाले नीलकंठेश्वर, हमें अहंकार नहीं होना चाहिए।